सर प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा बताइए कि आप प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी वगैरह फॉलो की थी। प्रीलिम्स के लिए तो मैं ब्रह्मास्त्र बताता हूँ, वो फेल नहीं होता। घटनाचक्र, लूसेंट और स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स हमें याद नहीं करनी है। घटनाचक्र में जो क्वेश्चन नहीं आते उनका मैंने नोट्स बना लिया था, और लूसेंट को मैंने कई बार पढ़ा। और सबसे जो मुख्य चीज़ है वो है आज के समय में क्विज करना या टेस्ट सीरीज करना। प्रीलिम्स के लिए मैं प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा नहीं किया, 7-8 टेस्ट दिया था बस, लेकिन मैं क्विज डेली करता था। क्विज करने से क्या होता है कि आपकी जो तुक्का मारने वाली एबिलिटी है, लॉजिकल गेसिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, वो आपकी स्ट्रांग हो जाती है। तो मतलब इस बार 2022 के प्री में मैंने 150 में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और मेरा नेट क्वेश्चन माइनस काट के आ रहा है 110। और 2021 के प्री में भी मेरा माइनस काट के क्वेश्चन आ रहा था 105 क्वेश्चंस। तो मतलब ऐसा नहीं कि मुझे सब आ रहे थे, लेकिन मेरी तुक्का मारने वाली एबिलिटी जो थी वो ठीक ठाक थी। तो मैंने 146 क्वेश्चन 2021 वाले में भी किए थे। तो इसके अलावा जो सीसेट का पोर्शन होता है, क्योंकि वो काफ़ी कठिन होता जा रहा है, तो उसको आपने कैसे पढ़ा था? अब बीटेक वाला हूँ तो फिर मैं तो थोड़ा आती है, तो सीसेट के लिए ज़्यादा मैंने तैयारी नहीं की, और सीसेट आसानी से हो गया क्लियर मेरा। मैम आपका इस बार कौन सा अटेम्प्ट है? सर पहला था मेरा। पहला तो आपने मतलब प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी वगैरह फॉलो की थी? सर मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई स्पेसिफिक पढ़ा नहीं था, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। तो भैया का जो नोट था उसने घटनाचक्र का अलग से बना लिया था वो, क्योंकि घटनाचक्र अपने आप में इतनी मोटी है कि आप उठाओगे तो वो स्ट्रेस कर देती है कि आप पढ़ोगे कैसे इतना। तो जब आप उसको उसमें से जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते रहते आप उनका अलग से नोट्स बना लो, तो वो फिर 5-6 पेज या 10 पेज 12 पेज इतना का नोट्स बनता है, तो बहुत जल्दी रिविजन होता है वो, तो इन सब स्ट्रेटजी से हुआ। उसके बाद सर हम मेंस की तरफ चलेंगे कि मेंस में क्योंकि लगातार पेपर्स होने होते हैं, लगातार 3-4 दिन पेपर चलता है सुबह शाम, तो काफ़ी हेक्टिक रहता है। तो उसके लिए मतलब आपने क्या पढ़ाई की थी? मेंस के लिए तो मैंने सिलेबस उठाया और पुराने साल क्वेश्चन, इन्हीं को आधार बना करके ज़्यादातर टॉपिक्स के अपने खुद के नोट्स बना लिए, फिर उन्हीं नोट्स को मैं बार बार पढ़ा, रिवाइज किया और फिर देने चला गया। तो जैसे इसमें भी कई पार्ट होते हैं, जैसे जीएस का पोर्शन की बात करें तो जीएस के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी स्पेशली फॉलो की थी? जीएस के लिए तो मैंने सबसे पहले नोट्स बना लिया था, और दूसरी बात जीएस में सबसे बड़ी चीज़ होती है आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि आपके 3 घंटे में 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, सबसे बड़ी चीज़ यही है आज के समय में। और 2021 में भी मैं आपको बताऊं तो जो 8 नंबर वाले 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें से लास्ट में 3-4 क्वेश्चन में ढंग से पूरा उत्तर नहीं लिख पाया था, थोड़ा थोड़ा लिख पाया था, लेकिन तब भी जो मैंने बाकी क्वेश्चन हैं 16-17 एकदम बढ़िया किए थे, तो इसकी वजह से मेरी अच्छी रैंक आई। तो इसके लिए जैसे कि आंसर राइटिंग करने के लिए कोई आप चीज़ें बता सके, ट्रिक्स कोई अगर हो कि हाँ इससे आंसर राइटिंग इम्प्रूव की जा सकती है? आंसर राइटिंग के लिए चाहे आप टेस्टरी ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप टेस्टरी ज्वाइन करने में असमर्थ हैं तो पुराने साल क्वेश्चन उठाइए, उन्हें सॉल्व करिए 3 घंटे के अंदर घर पर बैठ करके, और आपके अंदर ये भरोसा होना चाहिए कि 3 घंटे के अंदर मैं पेपर करूँगा चाहे जिस हाल में। अब इस बार 2022 की बात बता रहा हूँ, 2022 का मेंस मैंने दिया, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाँ 21 में फाइनल हो गया मामला। तो जो 8 नंबर वाले 10 क्वेश्चन रहते हैं जीएस में, अब शुरू के 1.5 घंटे में मेरा केवल 8 नंबर वाले क्वेश्चन हुए हैं, और पूरा 10 क्वेश्चन 12 नंबर वाला पूरा बचा है, लेकिन तब भी एकदम भरोसा था और एकदम मन लगा के मैंने 10 क्वेश्चन जो बचे थे 12 नंबर वाले वो भी 1.5 घंटे में निपटा दिए। तो ये चीज़ भरोसा होना चाहिए अपने अंदर कि करूँगा मैं ही। मैम आप थोड़ा जैसे मेंस की जो बुक लिस्ट वगैरह होती है अगर आप कुछ बता पाएं शॉर्ट में? सर सेम ही है, वही लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, और इकोनॉमिक्स मैंने मृणाल सर के नोट से हैंड आउट से किया था तो वो हो गया। साइंस एंड टेक मैंने राव आईएस से पढ़ा था हालांकि, लेकिन अगर सिर्फ पीसीएस की स्ट्रेटजी देखें तो ये मैं यूपीएससी का आपको बता रही हूँ। पीसीएस के लिए मैंने वही घटना चक्र प्रीलिम्स के लिए वही लूसेंट पढ़ा था, तो यही सब चीज़ें थी पीसीएस के लिए। ये सब जो आप बुक लिस्ट बता रही हैं तो वो मेंस में हेल्प करती है ना, यहाँ पीसीएस में मेंस में हेल्प करती है, प्रीलिम्स की थोड़ा सा एकदम अलग हो जाता है। यूपी पीसीएस और यूपीएससी का प्रीलिम्स एकदम काफी डिफरेंट हो जाता है। मेंस के लिए आप जो भी पढ़ेंगे वो यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आंसर वो एनसीईआरटी का काफी बड़ा रोल रहता है, तो एनसीईआरटी मतलब किस तरीके से हेल्प करती है? सर अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो एनसीईआरटी, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज अट्रैक्टिंग तरीके से उसमें लिखा रहता है तो काफ़ी जल्दी समझ में आता है सिंपल तरीके से, तो आप शुरुआत वहीं से कीजिए। और खासकर मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे और कुछ कीजिए चाहे ना कीजिए, आप उसको जरूर कीजिए, वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक। मैंने ज्योग्राफी बस अच्छे से किया था, इसके अलावा मैंने पॉलिटी, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल भी था, तो मैंने कक्षा 11-12 की पॉलिटिकल साइंस की जो एनसीईआरटी आती है तो उसको मैंने बहुत अच्छे से किया था। इसके अलावा थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी पढ़ी थी, तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की आती है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रहती है, तो वो भी बहुत अच्छा था। तो आपका भी मीडियम इंग्लिश मीडियम रहा? जी सर। सर आप बताइए कि आपने जो है एनसीईआरटी वगैरह किस तरीके से पढ़ी थी? मैंने केवल भूगोल की एनसीईआरटी पढ़ी, बाकी कोई नहीं। और भूगोल मेरा ऑप्शनल था, इस वजह से मैंने भूगोल की एनसीईआरटी पढ़ी। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भूगोल था। तो सर हम थोड़ा करंट अफेयर के बारे में जानेंगे कि कोई करंट अफेयर का काफी वेटेज रहता है, चाहे प्रीलिम्स का हो गया, मेंस का, यहां तक कि इंटरव्यू में काफी बड़ा रोल रहता है, तो उसके लिए मतलब आपने कहां से तैयारी की थी?
मैंने कई बार द हिंदू पढ़ने का प्रयास किया लेकिन मुझसे हो नहीं पाया, तो मैंने फिर द हिंदू का चक्कर छोड़ दिया। तो मैं क्या करता था करंट अफेयर के लिए कि बायजू का द हिंदू एनालिसिस आता था, वो मैं डेली शाम को देख लेता था, और बाकी स्टडी आईक्यू के एक टीचर थे प्रशांत धवन, उनके अभी वीडियो आते हैं, उनको मैं बहुत तगड़े से फॉलो करता हूँ, उनका एक वीडियो छूटने नहीं पाता। और बाकी जो घटनासार आती है, घटनासार का करंट अफेयर आता है अर्धवार्षिक, और परीक्षा के पहले घटना चक्र की आई दृष्टि आती है, इन दोनों को मैंने फॉलो किया था। और उसके बाद मैम आप बताइए कि आपने करंट अफेयर के लिए यही सारा सोर्स फॉलो किया? सेम सोर्स सर। तो हमें लगता है सारी चीजें, मतलब जो स्ट्रेटजी सर फॉलो करते थे वही सारी चीजें सर, वही है साथ ही में पढ़ाई करते थे, तो सेम ही स्ट्रेटजी। तो हम थोड़ा जानेंगे कि जैसे कि आपका इंटरव्यू का पोर्शन रहता है, तो इंटरव्यू के लिए कहीं अलग से तैयारी वगैरह करनी चाहिए या फिर पढ़ाई के साथ साथ धीरे धीरे चीजें तैयार होती जाती हैं? इंटरव्यू वाली चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती, मतलब क्या वहाँ पूछा जाएगा, क्या माहौल है, आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कितना भी आप इंटरव्यू तैयारी करके चले जाइए, वहाँ जो होगा रैंडम ही होगा। और इस बार इंटरव्यू हुई मेरा उन्हीं की बोर्ड में पढ़ा था जिनके बोर्ड में मेरा 2020 वाला पढ़ा था, तो इस बार इंटरव्यू देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, केवल मेरा 15 मिनट इंटरव्यू चला था, और मैं इंटरव्यू देकर आया फिर निराश हो गया। मैंने कहा लगता है इस बार मामला जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर लेकिन भगवान कृपा रही, देखिए रिजल्ट आ गया ठीक ठाक। तो सर जैसे कि इतनी बड़ी जर्नी रहती है, काफ़ी मोटिवेशन डीमोटिवेशन का फैक्टर रहता है, तो मतलब आपने उस फेज को कैसे हैंडल किया, जब जहां पर जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रही है चीज़ें, तो उस फेज को आपने कैसे हैंडल किया? अगर मैं अपने इतिहास को देखता हूं, मतलब जहां तक जो मैंने आज तक पढ़ाई की है, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था। अब 2020 को मैं देखता था, 2020 में मेरा प्री निकल गया था गलती से, 82 क्वेश्चन था और मेरी मेंस की तैयारी बिल्कुल नहीं थी। 60 दिन के अंदर मैंने मेंस की तैयारी की थी 2020 वाली, और उस मेंस की तैयारी में इंटरव्यू तक पहुंचा था और मेरा मात्र 10 नंबर से चयन रुक गया था 2020 में। तो मतलब ये चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था कि जब तुम बिना तैयारी के हल्की तैयारी में तुम इंटरव्यू तक पहुंच सकते हो, अगर तुम अपनी थोड़ी तैयारी और बेहतर कर दो, तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा। तो मैम जो गर्ल्स इस फील्ड में है, मान लीजिए तैयारी कर रही हैं या फिर आने वाले समय में करना चाहती हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या सुझाव रहेगा? सर यही रहेगा कि आप, मैं तो कहूँगी कि आप बहुत स्ट्रेस लेके मत पढ़िए, स्ट्रेटजी के साथ पढ़िए, सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, जो टॉपर्स बताते हैं बार बार कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, उनको कई बार पढ़ना है, ये नहीं कि एक बार, 2500 बार, 10 बार, जितना भी आपसे लगे कि आप इतनी बार पढ़ के आपने उस बुक को अच्छा खासा पढ़ लिया है, तो सेम स्ट्रेटजी के साथ आप लगे रहिए तो होगा। सर आप बताइए कि आप मतलब क्या चीज़ें सजेस्ट करना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं छात्र? एक दिशा में मेहनत करिए, केवल एक एग्जाम पे फोकस करिए। मैं पिछले 3 साल से पीसीएस दे रहा हूँ लेकिन मैंने एक बार भी बीपीएससी का फॉर्म तक नहीं डाला। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आप एक दिशा मेहनत करेंगे तो आज जैसे आप पीसीएस की तैयारी आपकी 50% है, तो अगले साल आपकी 60% हो जाएगी, फिर अगले साल 70% हो जाएगी। तो मतलब एक ही एग्जाम में आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए, ये नहीं कि आप अपना थोड़ा सा पोटेंशियल बीपीएससी को दे दिए, थोड़ा सा पोटेंशियल अपना एमपीपीएससी को दे दिए। 20 एग्जाम पर फोकस नहीं करना है, केवल एक एग्जाम दे दीजिए और अपने आप पर भरोसा रखिए, घर वालों को भी आपको भरोसा होना चाहिए। सर लास्ट में हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने तैयारी की तो आपको एक लगा होगा कि हाँ हमारे तैयारी के दौरान कोचिंग की आवश्यकता पड़ रही है या फिर नहीं पड़ती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? अगर आप घर पे ठीक ठाक पढ़ ले रहे हैं तो कोचिंग ज़रूरत ना के बराबर है, और यूट्यूब पर इतना कंटेंट है, सबसे बड़ी कोचिंग तो आज के समय यूट्यूब है, बिना पैसे के फ्री में उपलब्ध है सब चीज़ें। मतलब अगर आज के समय ढंग से देखें ना, तो कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई है, जितना यूट्यूब पर कंटेंट है फ्री में और दुनिया भर का बहुत है, पर्याप्त है। तो दोस्तों हमने सर से और मैम से जो है इनकी स्ट्रेटजी के बारे में जाना, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।